हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस अबाउट अपकमिंग डोम सेशन। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी कि अपकमिंग डोम सेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, पर इससे पहले अगर आप चैनल भी न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। अभी जो डोम सेशन है ना, वहाँ पर इनिशियली 6 कंटेस्टेंट सेफ होंगे। तो हमारे आइडियल मैच होंगे दिग्विजय नायरा एंड हर्ष शोभी। इसके अलावा शोभिका और अरबाज भी सेफ साइड पर होंगे। एंड अगर आपने नोटिस करा हो तो जो हर्ष एंड शोभी है ना, उन्होंने एनिका को सेव किया है। अभी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रुशाली है, विच मीन्स रुशाली ऑलरेडी सेफ हो गई होंगी। हाई चांसेस यही हैं कि अरबाज और शोभिका, इनसे पूछा जाए कि ये किस एक कंटेस्टेंट को सेव करना चाहते हैं जो इनका आइडियल मैच बन सकता है। तो यहाँ पर जो अरबाज है ना, वो रुशाली को सेव कर लेंगे। फिर जो शोभिका है ना, वो देव को सेव कर लेंगी। एंड अभी इन दोनों कपल को चांस मिल सकता है और आकर के पास जाने का। इनमें से कोई एक जाएगा, एंड इनमें से जो भी जाएगा ना, वो एक आइडियल मैच नहीं बनेगा। हालांकि अरबाज और रुशाली को देखकर लगता है कि वो लोग एक आइडियल मैच हैं, बट आई डोंट थिंक सो अगर वो अराकल के पास गए तो वो एक आइडियल मैच बनेंगे। बिकॉज अभी ये कपल्स में से कोई भी आइडियल मैच नहीं बना है, तो इनके क्लो कार्ड पर जिस भी कंटेस्टेंट का नाम होगा ना, वो डंप नहीं होगा। एंड यहाँ से जो एलिमिनेट करने की पावर है ना, वो हमारे दोनों आइडियल मैचेस के पास आ सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दिग्विजय नायरा है ना, उनको पावर मिलेगी किसी को सेव करने की, तो वो उन्नति को सेव करेंगे। एंड शुभी और हर्ष का ऑलरेडी बता चुकी है, वो लोग एनिका को सेव करेंगे। मे बी अभी जो शुभी आई है ना, तो उनकी और एनिका की इक्वेशन अच्छी हो, जिस वजह से उन्हें सेव किया हो। देन आइडियल मैचेस के पास पावर आएगी ना एलिमिनेट करने की, तो आई थिंक हर्ष के टारगेट पर ना लक्ष्य होने वाले हैं, एंड दिग्विजय नायरा के टारगेट पर सिवेद हो सकते हैं। पर इन दोनों में से कोई भी घर नहीं जा रहा है। अगर आइडियल मैचेस इन्हें एलिमिनेट करते भी हैं ना, तो भी कोई ट्विस्ट आ जाएगा। एंड अल्टीमेटली जिन कंटेस्टेंट्स का नाम क्लू कार्ड पर होगा ना, बाकी जो दो सेफ कपल्स थे उनके क्लू कार्ड पर जिस भी कंटेस्टेंट का नाम होगा ना, वो फिर से डेंजर में आ जाएंगे, एंड उनमें से ही कोई एलिमिनेट होगा। एंड यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि उन दोनों कपल में से किसी एक क्लू कार्ड पर इशिता का नाम था, जिस वजह से जो इशिता है ना, वो नेक्स्ट डोम सेशन से घर चले जाएंगी। इसके बाद बात करें सिवेत और एनिका की, तो जो अभी सिवेत और एनिका है ना, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने वापस से पैचअप कर लिया है। उन दोनों ने ना सिमिलर जगह की पोस्ट वगैरह डाली थी, एंड उन्होंने इंस्टा पर भी एक दूसरे को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी उनके फैंस स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि दोनों ने पैचअप कर लिया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अभी जो दिग्विजय एंड इशिता है ना, उनने भी अपना अपना क्लैरिफिकेशन दिया है ये उन्नति वाली बात पे। तो अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इवनिंग तक कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।